हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडू कैसन। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये वाली जो ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग को मैं आपको ऑटो कैड 2D में बना करके बताऊंगा कि ऑटो कैड 2D में इस ड्राइंग को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ड्राइंग को रीड करना है। ड्राइंग रीड करने के लिए ये देखिए DIA 28, ये जो सिंबल है ये किसका है, डाया का। DIA 28 किसका है, ये जो इनर सर्कल है। देन ये 73 क्या दिखा रहा है, सेंटर टू दिस, यानी ये जो सर्कल है इसका रेडियस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कितना, 73। देन यहाँ DIA 146 दिखा रहा है, यानी इस सर्कल का, यानी 73 मैंने अभी ही बताया, 73 हम लोग रेडियस कंसिडर कर सकते हैं। अगर 73 रेडियस कंसिडर कर सकते हैं मतलब 73 का डबल क्या हो जाएगा, 146, यानी डाया इसका 146 हो गया। देन इस जो इनर सर्कल था उसका DIA 28, इसके जो बाहर सर्कल है उसका DIA 40 है। ठीक है, देन इन दोनों के बीच का जो एंगल है, देखिए ये आपका 15 डिग्री और ये भी आपका 15 डिग्री। ठीक है, बस यही वैल्यू है। देख, एक ये है रेडियस 36, ये यानी यहाँ एक सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये सबसे पहले आप आउटर एक सर्कल बना लो DIA 146 का। तो आते हो अपने ऑटोकैड पर और इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो इधर आने के बाद DIA 46 यानी सी इंटर सेंटर पॉइंट एक बता देते हैं। देन DIA 146 है, राइट। तो डाया के लिए कमांड देंगे डी इंटर और वैल्यू बोल देंगे 146 इंटर। ठीक है, यानी ये आपका आउटर बाउंड्री हो गया। देन इसके बाद क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग ये वाला जो सर्कल है ना, इस सर्कल को बनाते हैं क्योंकि इसी सर्कल और इस सर्कल के अकॉर्डिंग हमारा पूरा काम ये होने वाला है। तो इस सर्कल का डाया कितना है, 40 है। तो इधर आ जाओ, आप सर्कल के लिए अगेन कमांड दे देते हैं सी एंटर, सेंटर पॉइंट बता देंगे हम लोग, ये हो गया सेंटर पॉइंट। डाया के लिए डी एंटर, डायमीटर वैल्यू 40 एंटर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, इधर आते हैं। इसके बाद अब हमें ध्यान दीजिए, इधर एक 15 15 पे दो एक लाइन ड्रॉ करना होगा, राइट। तो करेंगे क्या हम लोग, इधर आते हैं। इधर आने के बाद जो पोलर ट्रैकिंग है, इधर ये देखिए ये जो आइकन है ये पोलर ट्रैकिंग का है, इसको हम लोग F10 से भी ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अलग अलग एंगल्स को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग ऑन करेंगे, देन इसके अंदर जब जाएंगे तो देखिए बहुत सारे एंगल्स का आपको मल्टीपल मिल जाएगा। हमें 15 डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से 15 डिग्री सेलेक्ट कीजिए। देन लाइन लेंगे हम लोग एल इंटर, देन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद ये आपका देखिए 0 डिग्री है, हमारे कर्सर के नीचे जो वैल्यू है वो क्या है, एंगल वैल्यू है। ऊपर जाएंगे तो ये आपका 15 डिग्री पे क्या हो जाएगा, अपने आप होल्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन एस्केप, अगेन लाइन लेंगे, देन सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, अगेन नीचे की तरफ 15 डिग्री पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन एस्केप। ठीक है, ऐसा कुछ। इसके बाद ये देखिए ये वाले हम लोग सर्कल को बनाएंगे जिसका रेडियस वैल्यू 36 है, तो उसके लिए अगेन सी एंटर, सेंटर पॉइंट बता देंगे, देन रेडियस वैल्यू 36 एंटर। देन अगेन देखते हैं क्या करना है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग कर देंगे ट्रिम, और ये जो होगा आपका जाएंगे इंटरसेक्शन होगा वहां से हम लोग यहाँ तक मैच कर देंगे क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम के लिए TR इंटर, कौन कौन सा पार्ट ट्रिम हो जाएगा आपका, इधर से ये ट्रिम, इधर से आपका ये ट्रिम, देन इधर से आपका ये ट्रिम, देन इसके। ठीक है, अगेन लाइन लेंगे L इंटर, स्टार्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, इसको कहाँ मैच करेंगे, इसके क्वाड्रेंट पर, अगेन यहाँ से यहाँ तक, देन इसके। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इधर आ जाओ आप। नेक्स्ट हमें अंदर वाला एक सर्कल जो है DIA 28, इसको बना देते हैं। इधर आकर के सी एंटर, सेंटर पॉइंट अगेन हम बता देंगे ये DIA 28, यानी रेडियस वैल्यू 14 एंटर, ऐसा। ठीक है, देन अगेन एक्स्ट्रा पार्ट, ये पार्ट भी आपका ट्रिम होगा। ट्रिम के लिए कमांड देते हैं TR इंटर, इसको आप कर दो ट्रिम, देन एस्केप। एक ऑब्जेक्ट हमारा बना, अब क्या करेंगे, ये हमारा कितना ऑब्जेक्ट चाहिए, टोटल 6 ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, एरे कमांड यूज करेंगे। एरे से होगा क्या, आपका एक बार में सारे बन जाएगा। एरे के लिए कमांड हो जाता है AR इंटर, AR इंटर करने के बाद बोला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इंटर करेंगे। देन यहाँ पूछ रहा रेक्टेंगुलर पाथ या पोलर, तीन ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर पाथ या पोलर, तो यहाँ हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, पोलर की। तो पोलर के लिए कमांड देंगे PO इंटर, देन सेंटर पॉइंट हमें बताना है, सेंटर पॉइंट हम बता देंगे ये। देन देखिए बाय डिफॉल्ट आइटम कितना आया, 6, यहाँ से हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 8 इंटर करेंगे तो ये 8 आइटम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितना भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ऐसा बता सकते हो, मुझे 6 चाहिए, 6 इंटर।
देन एंटर करेंगे ये कमांड से बाहर। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल है आपका ये क्या है आपका डैश लाइन में, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, कमांड दीजिए पी आर एंटर। पी आर एंटर करने के बाद यहाँ लाइन टाइप में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ देखिए बस यही तीन दिख रहा, बाय लेयर, बाय ब्लॉक और कंटिन्यूअस। तो करना क्या होगा, इससे पहले आपको लोड करना होगा, ठीक है। यहाँ आपको बाय लेयर जो दिख रहा है ये लाइन टाइप में, यहाँ जब आओगे तब पता चलेगा ये लाइन टाइप है। लाइन टाइप में जा करके करेंगे अदर्स। अदर्स करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, लोड। लोड में आपको कौन सा लाइन चाहिए, जो भी लाइन चाहिए आप उस टाइप का लाइन ले सकते हो। लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश मुझे चाहिए तो ये लेते हैं, ओके देन ओके, ठीक है। अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, कमांड देंगे पी आर एंटर, और देखिएगा आप प्रॉपर्टीज के अंदर लाइन टाइप के अंदर आपका ये लाइन आ जाएगा, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश देन क्लोज यहाँ से देन स्केल, ठीक है। ये देखिए आपका जो ड्रॉइंग्स है ये बनकर के रेडी हुआ। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसकी डायमेंशन देनी है। तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी डायमीटर बतानी है। तो डायमीटर के लिए डी डी आई कमांड होगा देन एंटर, इस पर क्लिक करेंगे, बाहर रखेंगे, ये देखिए डायमीटर। देन नेक्स्ट क्या है आपका, ये अंदर वाला डाया 28, देन इसके बाहर वाला डाया 40 है ना, देन ये रेडियस 36। इधर आते हैं, कमांड देते हैं अगेन डी डी आई, अगेन इसको सेलेक्ट करते हैं, बाहर लाते हैं 28, अगेन डी डी आई, इसको सेलेक्ट करते हैं, बाहर रखते हैं डाया 40, अगेन डी आर ए इंटर, इससे सेलेक्ट करते हैं, बाहर रखते हैं, कितना रेडियस 36, ठीक है। देन अब क्या करना है, एंगल्स बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एंगल के लिए आपका कमांड हो जाता है डी ए एन एंटर। देन यहां से ये देखिए ये ले नहीं रहा, रीजन क्या है, ये ना अभी हमारा चैन में है तो इसको हमें ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने का मतलब एक्सप्लोर करना होगा, कमांड देंगे एक्स एंटर, देन इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, अभी ये आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। देन अब क्या करना है, हमें एंगल बताना है, तो डी ए एन एंटर, देन किसके रेस्पेक्ट में बताना है, इसको बताना है, और किसके रेस्पेक्ट में, तो ऐसा कुछ हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में हम बता पाए, तो हमें करना क्या होगा, इसमें सेंटर लाइन डालना होगा। सेंटर लाइन डालने के लिए क्या करेंगे, एनोटेट में आएंगे, एनोटेट में सेंटर मार्क है, सेंटर मार्क लेंगे, किसके बीच में देना है, इसके बीच में सेंटर मार्क, ठीक है। देखिए ये सर्कल के बीच में सेंटर मार्क आ गया, देन स्केल। अब एंगल बताएंगे, एंगल के लिए अगेन कमांड देंगे डी ए एन इंटर, देन इसके और इसके रेस्पेक्ट में मुझे एंगल बतानी है, ये देखिए 15 डिग्री, अगेन डी ए एन, इसके और इसके बीच में कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है। ये आपका ड्राइंग बन करके रेडी, देखिए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग 2D ऑटोकैड के अंदर बनाते हैं। और इस वीडियो में जितना भी कमांड यूज हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स है उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी कमांड से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है तो उस कमांड का वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक वहां मिल जाएगा, देन उस कमांड को आप अच्छे से फॉलो, देन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, देन कौन सा कमांड हम लोग कैसे यूज करते हैं, बिल्कुल इजी वे में मैंने बता रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।